हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके सिस्टम में कोई नेटवर्क एरर, डीएनएस एरर या आपका वाईफाई बार बार ऑन ऑफ इस टाइप की दिक्कतें अगर आपको देखने को मिल रही है आपके इथरनेट कार्ड से या वाईफाई लैन कार्ड से, तो फ्रेंड्स आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8 या 8.1 में, ये चीज़ जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको जो है कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है, उसको रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके जो है रन कर देना है। तो आपके सामने देखिए कंसोल जो है विंडोज़ का टर्मिनल जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, आगे की कमांड्स बताने से पहले मैं आपको पहले बता दूँ, यहाँ पे मैं कोई भी कस्टम डीएनएस का इस्तेमाल नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं सब फुली ऑटोमेटिक डीएनएस का इस्तेमाल करूँगा जो सिस्टम खुद उठाता है। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे ipconfig /flushdns, ठीक है। आप यहां पे ऐसे फ्लश डीएनएस लिखेंगे तो डीएनएस से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी वो सब यहां पे आपके सिस्टम में सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद जो है फ्रेंड्स, आपके सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है उसको आपको रिलीज़ करना होगा। तो उसके लिए कमांड है ipconfig /, और लिखेंगे आप रिलीज़। जैसे आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपका आईपी एड्रेस जो है रिलीज़ हो जाएगा। अब जब रिलीज़ किया है आपने आईपी एड्रेस, तो उसको रीन्यू भी करना है। तो इसके लिए फिर आप कमांड डालेंगे ipconfig /renew, ठीक है। इस कमांड को जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका आईपी एड्रेस जो है रीन्यू हो जाएगा, आपके सिस्टम पर एक नया आईपी एड्रेस जो है असाइन हो जाएगा। इतना करते ही फ्रेंड्स, आप इंटरनेट को एक्सेस करके देखिए, आपका जो डीएनएस क्वेरी है वो तो फ्रेंड्स सॉल्व हो जाएगा। अगर तब भी सॉल्व नहीं होता है तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मैं बता देता हूँ जिससे आप पकड़ पाएंगे कि मेन प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे आप सिंपली ट्रबल शूट करके सर्च कीजिए और ये देखिए फिक्स फाइंड एंड फिक्स नेटवर्क प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर आपको चेक कर देना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसको बस आपको नेक्स्ट कर देना है और ट्रबल शूट माई कनेक्शन टू द इंटरनेट, ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो है खुद ही ऑटोमेटिक आपके सिस्टम को चेक करेगा, आपके इथरनेट कार्ड को, लैन कार्ड को, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है या ड्राइवर रिलेटेड इशू है। कुछ भी अगर ऐसा इशू होगा तो यहाँ पर जो है आपको शो कर देगा। मेरे केस में भी नहीं दिखा रहा है, अगर आपके केस में ऐसा होगा तो यहाँ पर शो कर देगा। अभी ये मान लेते हैं कि फ्रेंड्स इसने कोई एरर दिखाया आपको या कोई ड्राइवर रिलेटेड क्वेरी है, तो उसके लिए तो आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चलो ठीक है, एक बार मैं नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करके देख लेता हूँ, क्या पता इससे सॉल्व हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, नेटवर्क सेटिंग्स को जैसे आप रीसेट करेंगे अपने विंडोज 10 के अंदर, तो एरर हो सकता है कि सॉल्व हो जाए। ऐसे मैक्सिमम चांस यही है कि सॉल्व हो जाएगा 98%, लेकिन 1-2% में जैसे कोई ड्राइवर रिलेटेड अगर कोई एरर आता है तब ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके सिस्टम में कोई भी ऐसा इशू नहीं है तब आप बेफिक्र होकर जो है इसको जो है रीसेट कर सकते हैं। तो रीसेट कैसे करना है, आपको यहाँ पर जाना है और सेटिंग्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है सेटिंग मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब आपको जो है इसमें नेटवर्क्स एंड इंटरनेट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाएंगे और सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपके सामने देखिए ऑप्शन होगा नेटवर्क रीसेट, और यहाँ से जैसे आप रीसेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये जो है रीसेट हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखना, अगर आपने कोई भी वर्चुअल एडेप्टर वगैरह इंस्टॉल कर रखा है तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और जैसे ये रीसेट करेंगे आप, और यहाँ पे आपसे पूछेगा येस एंड नो, आप यहाँ पे येस कर दीजिए, आपका कंप्यूटर जो है नेटवर्क सेटिंग्स जो है रीसेट हो जाएगा। ये पीसी विल बी रीस्टार्टेड बोल रहा है, आपको जो है अपने पीसी को रीस्टार्ट करना होगा। ऐसे 5 मिनट में खुद ही रीसेट हो जाएगा, नहीं तो जो है आप खुद मैनुअली भी इसको रीसेट कर सकते हैं। तो खाली इससे जो है नेटवर्क रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है आपके सिस्टम्स के, उसी को रीसेट करेगा। आपके सिस्टम पे कोई भी इस तरीके का जो है डेटा लॉस की कोई भी हानि नहीं होगी। लेकिन हाँ, SSID, नेटवर्क SSID, इस सब में आपको दोबारा से एंटर करना पड़ेगा उसके जो पासवर्ड्स वगैरह हैं। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, आप सभी नेटवर्क रिलेटेड इशू, DNS इशू जो है आप अपने विंडोज़ 10 के अंदर जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये लगभग ट्रिक जो है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वर्क करती है। जो कमांड प्रॉम्प्ट वाला जो सिस्टम है फ्रेंड्स कमांड का, उसे जो है आप विंडोज 7 वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो जो है जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।